गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राइड शक्ति में। और मैं अभी हूँ लाइडा में, और रात को हम प्रॉपरली इसको दिखा नहीं पाए, हम रात को काफी लेट हुए। और नाउ अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी उठा हूँ, भाई वगैरह दूसरे रूम में। लेट्स सी, मैं रूम भी दिखाता हूँ आपको, लोकेशन भी दिखाता हूँ, कैसी लोकेशन। चलो चेक आउट द ब्यूटीफुल लोकेशंस एंड रूम्स। अभी का टेम्परेचर बता देता हूँ, अभी है 4 डिग्री। बाप रे, बाहर के नजारे बहुत ही शानदार होते हैं। ये देखो यार, नजारे देख लो, वाव। यूं लगता है कुदरत ने यहाँ पर छप्पर फाड़ के दिया हुआ है। बहुत ही शानदार जगह है, और उतने ही अच्छा और शानदार ये होम स्टे है। रियल में बहुत ही शानदार होम स्टे है। अट्रैक्शन देख लो भाई, क्या मस्त, वाव। हाय मिस्टू, उठो मिस्टू, गुड मॉर्निंग, कैसा मेरा हीरो? आई उठ गई, इतनी सुबह सुबह उठा दिया। ओह मैं बच्चा, इतनी जल्दी उठा लिया आपको। ये हमारी हीरोइन मिस्टू, बहुत ही प्यारी बच्ची है। उठोगे? उठ जाओ, उठ जाओ। कैसा लगा? अच्छा। मजा आया? कितना मजा आया? गुड गर्ल, इसे कहते हैं मैनर्स भाई। वाह, मिस्टू को हमने सुबह सुबह उठा दिया। देखो मिस्टू, कितने मार्क्स दोगे इस लोकेशन को, इस जगह को, इस होम स्टे को? 5 स्टार। अभी हम जा रहे हैं वॉक पर, एक तीर दो निशानी करेंगे हम, जस्ट वॉक नहीं करेंगे, हम अपना कैमरा भी लाएंगे। चलो आ जाओ। गाड़ी की चाबी है? यस है। ये देखो मिस्टू, ओल्ड हाउसेस, ओल्ड इज गोल्ड ना, घर। मैं जीत जाऊंगी। कहाँ जीतेगी लड़की, जीतूंगा तो मैं ही। अरे ये लड़की जीत गई मेरे से, पर यहाँ से जाएंगे नीचे को, मैं जीत गया। यस यस, लड़की मेरे से आगे नहीं निकल सकती। मेरे को पकड़ के रखा। लड़की चला आके आगे निकल गई मेरे से, भाग गई। नहीं नहीं ना, नहीं ये लड़की जीत गई हमसे। नहीं यार, मैं हार कैसे गया। अब हम निकालेंगे कैमरा, ये हमने निकाला अपना कैमरा 360। हाय, कैसे हैं? क्या नाम है? अंशु। क्या नाम है बेटू? जानवी। ये देखो, ये हमारे छोटे छोटे दोस्त। हाय बोलो कैमरे को। हाय हाय बाय गाइस। आज है हमारे पास बिग पास में चिलड़ू, कर्ड, और ये है बबरू। बबरू गाइस, अभी हमें लाइडा हॉलिडे होम में, और मेरे साथ है हॉलिडे होम के होस्ट। तो भाभी जी, योर गुड नेम? चंद्रकला जी। और जो हमारे ओनर है लाइडा हॉलिडे होम, वो बिहाइंड द सीन है रितम भाई। लक्ष्मी नारायण की तरह इनकी जोड़ी है, बहुत ही शानदार। आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी दिखा रही भाभी जी। तो चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं भाभी का ये गेटअप दिखा लेता हूँ। ये जो गेटअप यूज किया उन्होंने, हिमाचली पट्टू है। अगर मैं स्पेशली बताऊँ इस पट्टू के बारे में, ये पट्टू कुल्लू जिला का फेमस पट्टू है। और इसमें जो हार लगा हुआ, ये हार भी स्पेशल हार है। क्या बोलते हैं? टुम्मे, हमारे बोलते हैं बुमड़ी भी, टुम्मे। एंड ऊपर लगाया धाटू, धाटू मतलब सर के ऊपर जो लगा, ये हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेसअप है। और जो ये एक फूल का पट्टू बोला गया, इसी टाइप से दो फूल तीन फूल के पट्टू आते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं। भाभी क्या कॉस्ट है वैसे इसकी? 10-12 हजार। सिर्फ 10-12 हजार का सिर्फ ये पट्टू है जो इन्होंने लगाया है। अब आओ अंदर की तरफ, ये देखो भाई, अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं, आपको मिलता है बहुत बड़ा सा बेडरूम, बहुत ही शानदार है बनाया गया है। जैसे कि आप देखिए सेटअप वगैरह देख लो, कितना प्यारा लगता है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्पेशल चेयर लगाई गई है, जहां से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। इस रूम की खासियत है, अभी तक इसमें पेंट वगैरह नहीं किया है, इसको नेचुरल रखा गया है। एंड दीवारों की बात करें, मड हाउसेस यहाँ पर हिमाचल में बहुत ज्यादा फेमस है। टूरिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट है कि मड हाउसेस को प्रमोट किया जाए। तो ये मिट्टी के हैं, ये आइसोलेट भी करते हैं, आइसोलेशन वगैरह इसका ज्यादा बेटर होता है। गर्मियों में ये
ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। और लकड़ी का काम किया गया है और लकड़ी को भी नेचुरल रखा गया है, अभी इसके ऊपर पेंट या कोई पॉलिश वगैरह कुछ नहीं किया गया है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे रात को 4 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर था, इस कारण से यहाँ पर हीटर भी लगा हुआ। अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर वॉशरूम, दिखा देता हूँ। गीजर एंड फुल एक्सेसरीज आपको यहाँ पर मिलती है, वॉशरूम बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश सीट लगी हुई है बकायदा और बढ़िया सेटअप है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह, गीजर वगैरह एंड टॉवल वगैरह, सोप वगैरह A to Z आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ आता है एटिक, यहाँ से लाइट ऑन की और चलो आ जाओ। और यहाँ पर आपको विंटर में बहुत मजा आने वाला, यहाँ पर भी एक बेड लगा हुआ। और यहाँ पर इस जगह पर मेरे को एक अच्छी चीज लगती है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये पूरा एक ब्रिज बनाया गया है, ये यहाँ से आपको नीचे का नजारा दिखता है बहुत ही अच्छे से, वाह बढ़िया। एंड नाउ यहाँ से आप अगर आप चलते हैं बाहर की तरफ ये, और यहाँ पर जैसे हम बाहर पहुंचते हैं यहाँ पर एक इस टाइप का एक बालकनी रखी गई है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। और सबसे मस्त चीज है ये नजारे आपको यहाँ से मिलते हैं, आप यहाँ पर घंटों बैठ सकते हैं, घंटों जो नजारे यहाँ से आपको मिलेंगे वो अल्टीमेट है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ से जैसे आप उस नजारे के मजे ले रहे हैं वहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं, आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर इनबिल्ट इस पैकेज में ये चीज मिलती है कि आपको ट्रैक फ्री में मिल रहा है। ये देखिए कुछ टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर टॉप की तरफ जा रहे हैं और वहां से निकलते वो आगे पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं और ऊपर का नजारा बहुत ही शानदार आता है। डे में आपको सेटअप इस तरह का दिखता है पर नाइट में जब आप आते हैं यहाँ पर ये LED स्ट्रिप्स लगी है पूरे में, लाइटिंग गजब की होती, बहुत ही शानदार लगता है। तो भाई मुझे ये प्रॉपर्टी सबसे अच्छी लगी और ये लाइडा हॉलीडे होम का सबसे बेस्ट रूम है मेरे ख्याल से। फिलहाल आप दिखाता हूँ इसका दूसरा रूम, ये है साथ में बाहर के नजारों के साथ, ये रूम में पहुंच गए, यस वाओ, ये देखिए क्या शानदार रूम है, बहुत ही शानदार रूम है। एंट्री करने पर आपको किंग साइज बेड मिलता है बहुत ही शानदार, एंड जो डिजाइनिंग है या जिस टाइप का इसमें बनाया गया सेटअप है वो पूरा वही है मड हाउस की तरह, एंड लकड़ी और मड का इस्तेमाल है, सीमेंट का काम नहीं हुआ। इस रूम की खासियत ये है इस साइड को भी ग्लासेस है और सामने की तरफ वो भी ग्लासेस आपको मिलते हैं, मतलब वहां से भी आप बाहर की तरफ देख सकते हैं और यहाँ से भी आपको बाहर के नजारे मिल जाते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर है यहाँ पर वॉशरूम, बहुत बड़ा वॉशरूम है और सेटअप वगैरह बहुत ही अच्छा है, गीजर वगैरह A to Z आपके लिए लगा हुआ है, वॉशरूम मस्त है एकदम। और यहाँ पर भी डुप्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पर भी स्टेयर्स बनी है ऊपर की तरफ, ये आप यहाँ से जा सकते हैं स्टेयर्स से ऊपर की तरफ, एंड ऊपर जाने पर फिर नजारे मिलते हैं इस टाइप के, ये देखिए। और यहाँ पर एक किंग साइज का बेड यहाँ पर सेटअप में लगा हुआ है, एंड यहाँ से बाहर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं और यहाँ से भी माउंटेन व्यू का पूरा मजा आप ले सकते हैं। यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, वाह बाहर की तरफ का सेटअप है, एंड यहाँ पर बकायदा आपके लिए बीन बैग वगैरह लगे हुए हैं, बकायदा आप इस पर बैठिए और खेलिए भैया कैरम या इंडोर गेम्स वगैरह का भी आप मजा ले सकते हैं, यहाँ पर आप पार्टी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस शानदार लोकेशन का मजा भी ले सकते हैं। तो ये है लाइडा हॉलीडे होम और यहाँ से हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर, तो ये ट्रैक मैंने पहले भी किया हुआ है, इस बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ और इस बार मैं यूज कर रहा हूँ Insta360, लेट्स सी देखते हैं कि इस बार के शॉट्स आपको कैसे मिलते हैं। कभी कभी सोचता हूँ मेरा घर भी यहाँ पर होता और वो मेरा ही घर होता तो कितना अच्छा। ये है जॉ देखो, और यहाँ से आपको लाइडा दिखता सामने की तरफ, अब जैसे थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊंगा मेरी सांस चढ़ना शुरू हो जाएगी और रितम भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है रितम भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर जो पहाड़ी बंदे होते हैं जो ऐसे रूट पर हमेशा चलते रहते हैं उनका फिजिकली फिटनेस काफी अच्छी होती है और उनकी सांस ऐसी नहीं चढ़ती जैसी मेरी जर्नी शुरू हुई। अब देखो असली जादू, ये है मैगी पॉइंट, ढूंगसू बोलते हैं इस जगह को, ये देखो आगे जाना अलाउड नहीं है भाई, ये ढूंगसू से देखो नजारे, बस वहां तक जा सकता हूँ। आप ऐसा ना करें भाई, मैं एक्सपर्ट हूँ माउंटेन पर जाने का, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आगे तक जा रहा हूँ, अदरवाइज आप ऐसा ना करें। अगर आपको हाइट से डर लगता तो भैया इसके पास ही ना जाए। ये है डोंगचू और इसको बोलते हैं मैगी पॉइंट, आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही इसलिए ये ऐसा, ये देखो 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 ये, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यस
ये है जन्नत के नजारे। लोग बोलते हैं कि जन्नत तो कश्मीर में है, इस वक्त हम लोग हैं भाई जन्नत हिमाचल में भी। आप एक बार आओ तो आओ देखो गाँव का क्या नजारे हैं, क्या नजारे हैं। वायरस शक्ति जिसको यार हिमाचल का हर बच्चा बच्चा हिमाचल सुपर जगह है, बहुत शानदार जगह है, बहुत जानते हैं भाई, बहुत ही शानदार जगह है। और यहाँ से ड्रोन शॉट आते हैं बहुत ही शानदार, क्यों आते हैं दिखाता हूँ। ये देखो आप लाइडा आए और आपने ये ट्रैक नहीं किया तो वही कहीं ना कहीं आपका ये ट्रिप अधूरा रहेगा। या भाई आपकी फिजिकल फिटनेस कभी यहाँ पर पोल खुल जाती है कि आप कितने फिजिकली फिट हैं। आप में से कई लोगों को लगेगा कि अभी गर्मी होगी, भाई यहाँ गर्मी नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं दिखाऊँ 18 डिग्री का टेम्परेचर है भाई। और अभी टाइम हुआ 1:30 बजे। ये देखो नज़ारे देख लो भाई साहब नजारे। तो भाई रितम भाई बता रहे हैं अभी ये है घासनी, यहाँ पर घास काटी जाती है, लोग यहाँ पर नीचे जाते हैं उस जगह पर उतर के घास काटते हैं। मिस्टर मजा आ रहा कि नहीं, कैसे लग रहा है? अच्छा मजा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना मैं टेंट लेके आऊंगा भाई। और सर जो शांगड़ का जो ट्रैक है ना ये सामने वाली जमीन है, शांगड़ जाते हैं। अच्छा वहाँ निकलते शांगड़ को। क्या बात है, ये ऊपर वाला टॉप है। यस सर, यहाँ से शांगड़ 1 घंटे का है पीछे से बस। यस सर, भागो 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 भागो, मैं आया पीछे। वाव ये है जादुई जगह। वाव तो गाइस ये है बहुत ही शानदार सी जगह, इस जगह को बोलते थड़ी। यहाँ के जो लोकल देवता है जब वो यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर वो विश्राम करते हैं, इस कारण से इस जगह का नाम पड़ा खड़ी। ये है जादुई जगह अल्टीमेट, ये है जन्नत भाई। कैसा लगा आपको भाई? बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद। बताओ मिस्टू कैसा रहा आपका? अच्छा, बहुत ही मजा आया, सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाभी जी आप बताइए। हमारा टूर तो ऑसम रहा, मुझे ये नहीं पता था चढ़ाते 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 हम दूसरी दुनिया में निकल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया मजा है, बहुत मजा, मतलब ऐसा लगा कि सच में छुट्टियां इस फर्स्ट टाइम में बिताई। हाँ हाँ ऐसा ही लगा। तो भाई लाइडा हॉलीडे होम में ये अल्टीमेट जगह है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और जो सुबह और शाम का नजारा आता है वो बहुत ही गजब का आता है। फाइनली गाइस आप लोग बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और यहाँ की लोकेशन, यहाँ का ये होम स्टे, यहाँ का फूड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आओ जल्दी से लाइडा हॉलीडे होम